जलता है अब पता नहीं ठीक ही नहीं हो रही। मैं ना सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, आवाज आ गया है, लोगों को सुनाई दे रहा। ओ चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। कह रही हूँ कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, पसीने पसीने हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि आज वीरवार है, वीरवार यानी कि साईं जी का दिन, पीर बाबा जी का दिन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, वीरवार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सारे हफ्ते में सात दिन होते हैं कि मुझे सातों दिन में से ही एक यही दिन है, सातों दिन अच्छे लगते हैं, एक यही दिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये साईं बाबा जी का दिन होता है। सुबह के 6 बजे हैं, मैं किचन में खड़ी हूँ। चीना ने कहा है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा क्या खाना है? कहती कोई सब्जी पड़ी है। मैं कहा सब्जी तो करेले वगैरह पड़े हैं, वो खाती नहीं है, तो मैंने कहा चल तुझे चावल बना के देती हूँ। कहते मम्मी आलू प्याज वगैरह ये सब डाल के, टमाटर डाल के अच्छे से आप मुझे चावल बना के दे दो, मैं हरी चटनी के साथ खाऊंगी। तो मैं अब इसके लिए चावल बना रही हूँ। चोट अभी तक भी ठीक नहीं हुई है, तो मम्मा अब मेरे को बेटाडीन लगा रही है। नींद से उठी उठी शक्ल है आपकी। हाँ तो अभी 6 बजे बस, अब मम्मा मेरे को बीटाडीन लगाती है, जलता है। अब पता नहीं ठीक ही नहीं हो रही, यहाँ से ना मांस फट गया है। ये तो भी दिखाना पड़ेगा। सारी बीटाडीन गिर गई। गिर गई सारी? हाँ, वो थोड़ी सी गिर गई है। ये गिर जाती है। मेहंदी अब तक हट ही नहीं रही है। ना मेहंदी हट रही है, ना चोट हट रही है, है कि ना? अब यहाँ पोछा मारना पड़ेगा, मेरा सारा पैर भी देख खराब हो गया। मेरा हाथ। चलो चीना के मजेदार से सुबह सुबह 6:30 बजे ये चावल खा रही है, और साथ में पुदीने की चटनी और साथ में है नींबू पानी। चीना को तो सुबह सुबह मजा ही आ गया। चीना खा ले, ये ले। बस खा रही हूँ मम्मा, ये ले पानी, नींबू पानी पीती पहले। कई बार कई लोग तो वीरवार को कहते हैं कि वीरवार ठंडा दिन होता है, कई कहते हैं वीरवार कटरा दिन होता है। लोग तो इस दिन कपड़े भी नहीं धोते, सिर भी नहीं धोते। वाकई मैं भी कपड़े नहीं धोती, सिर नहीं धोती। मैं आपको ये बात बताऊं, मैं तो जब नहाती हूँ नहाते वक्त अपने शरीर पे साबुन भी नहीं लगाती, मैं ऐसे ही पानी डालती हूँ। बस आदत पड़ी हुई है शुरू से कि नहीं लगाना, कपड़े नहीं धोने, सिर नहीं धोना। ये हमारी मदर इन लॉ ने हमें समझाया था, तो हम वो काम करते ही नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि आप मंगलवार भी कपड़े मत दो, वीरवार भी मत दो, शनिवार भी मत दो, और मंगल वीर शनि सिर भी मत दो। मैं जो मुझे कहते हैं मैं वही करती हूँ। मैं तीनों दिन कपड़े नहीं धोती। जब गोलू चीना छोटे होते थे ना, तो कई बार मंगलवार को सिर धो लेते थे, तो मम्मी उन्हें कहती थी कि गोलू आज वीरवार को, मंगलवार को तूने सिर क्यों धो लिया? मंगलवार को तो गायें भी अपना सिर नहीं डुबोती और तूने अपना सिर धो लिया। तो गोलू हंसती थी, कहती थी माँ जी गाय को थोड़ा पता चलता है कि आज मंगलवार है, आप कैसी बातें करते हो। मगर ठीक है, बच्चे होते हैं, बच्चे बोलते हैं ऐसे, मगर बड़े बुजुर्गों की जो बातें होती है वो सच होती है और उनकी माननी भी चाहिए। जय जय साईं राम। मैंने बनाई आज मूंगी मसरा की दाल। मम्मी का पेट ठीक नहीं था, तो मम्मी कहते हल्की सी दाल बना दे, जो दाल अरमान जी को पसंद है मैंने वही बनाई है। बाकी कई लोग लिखते हैं मम्मी को आप सलाद नहीं देते, कुछ नहीं देते, तो मम्मी के दांत नहीं है, मम्मी सलाद वगैरह प्याज कुछ भी नहीं खा पाते, वो सिर्फ नींबू का अचार साथ में लेंगे। तो मैं मम्मी को अब रोटी देने जा रही हूँ, हल्की सी दाल है ताकि मम्मी को डाइजेस्ट हो जाए। मम्मी जी लो रोटी, और नींबू का अचार निकाल लो, है वो खा लो, फिर डाइजेस्ट हो जाएगा ना थोड़ा खाना, खा लो। मैं नानू रोटी दे रही हूँ। जब तक शाम के 6 बज चुके हैं, मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ दुकान पे, क्योंकि इनका फोन आया था कि दुकान पे आ जाओ, मैंने कारीगर के पास जाना है, तो मैं अब मिलती हूँ आपको दुकान पे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अब ये मत सोचना कि मुझे बोर कर रही है। मैं आपको अपनी मदर इन लॉ की एक बात बताती हूँ। वो जब भी हम रात को आटा गूंथते हैं ना, तो वो कहेंगे कि जब रात को आटा गूंदो जो परात होती है उसको मत धोया करो, उसको तुम उल्टा करके रख दिया करो, सुबह फिर उसको पानी में डुबो। अब ये वाली आप बात पूछोगे कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने आज तक मम्मी से ये नहीं पूछा कि रात को आटा गूंदने के बाद परात क्यों नहीं धोनी। और अगर हम उनसे पूछेंगे ना कि मम्मी भी क्यों नहीं धोनी, तो वो ये कहेंगे कि मैंने भी अपनी सास से नहीं पूछा, ये परंपरा चलती आ रही है। कोई भी बहू अपनी सास से नहीं पूछती कि परात को उल्टा क्यों रख, परात को उल्टा रात को क्यों रखते हैं और इसको धोते क्यों नहीं है। अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, मुझे खुद भी नहीं पता, पर इतना मुझे पता है कि मुझे मम्मी का कहना मानना है, उन्होंने कहा है परात नहीं धोनी,
तो हमने नहीं भूनी। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको किसी को पता हो तो ये क्या कारण है। कहाँ है मम्मी, ऑफिस अभी तक आई नहीं? नहीं। तू क्या देख रहा है, आज मैच कौन सा आ रहा है? इंडिया और साउथ अफ्रीका का 2020 अभी शुरू हुआ है। हाँ, तू क्या चाय पी रहा है? तूने अपने आप चाय बना ली रौनक? हाँ। वाह, मैं तो अभी दुकान से आई हूँ मुझे। अच्छा तू पहले ही बना चुका है ना? मैं तो अभी आई हूँ, कभी बनानी हो मुझे बोल दिया कर। तुसी पी ली चाय? लेटे हुए उसी? हाँ चलो आराम करो। अच्छा गोल्डी दे गए। सुबह बनाई थी मैंने मूंगी मसरा की दाल, अब मैं डिनर में बना रही हूँ आलू गोभी। बस आलू तो दो ही डालूंगी, बाकी सब गोभी बनाऊंगी। गोभी बहुत टेस्टी बनती है, आलू थोड़े से शुगर करके इसलिए कम डालूंगी, मम्मी भी कम ही खाती है। तो अब मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी आलू गोभी। आलू गोभी की सब्जी बन गई है, देखो बीच में मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं। गाइस आप भी डाला करो, बिल्कुल वो वाली जो तीखी नहीं होती। और साथ में मैंने तवा रख दिया, अब रोटी बनने लगी। कोकोपुची के लिए रोटी बनेगी और साथ में साईं बाबा जी को भोग लगेगा, साथ में मैं भी अपनी रोटी बनाऊंगी। ये अभी थोड़ी सी लेट खाएंगे। बाबा जी को मैंने भोग लगा दिया है, आज ये आलू गोभी रोटी साथ में दूध और साथ में आई वीरवार है बेसन के लड्डू लेके आई थी, उसका भोग लगाया है। कई बार मुझे सारे पूछते हैं कि आंटी जी आप साईं बाबा जी को भोग नहीं लगाते हो, आप नहीं लगाते? मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि साईं बाबा जी ना खाएं, पहले वो खाते हैं उसके बाद हम खाते हैं। देख लो वीरवार को कोई ना कोई मिठाई का भोग लगता है, चाहे मैं घर में हलवा बनाऊं कुछ भी बनाऊं। तो आज मैंने लड्डू का भोग लगाया है और आलू गोभी में प्याज वगैरह नहीं थे, तो रोटी और दूध का। कोको पुची तुम क्या कर रहे हो? ललतन तू क्या कर रही है? मैं ना सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा, मैं कल देख रही थी उसमें इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे जब पायल और मैंने गाना गाया था ना, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, उसमें 9 मिलियन से भी ऊपर लोगों ने लाइक किया है। चलो लाइक करने की कोई बात नहीं, लाइक किया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी आवाज और पायल की आवाज में लोगों ने गाने गाए अपने बच्चों को ले लेके। कोई कोई बच्चे के साथ गाना गा रहा है, कोई अपने बड़े बच्चे के साथ गाना गा रहा है, कोई अकेले में गाना गा रहा है, हमारी आवाज के साथ डबिंग कर रहे हैं। हाँ, और एक नहीं है कितनी रील्स बनाई है लोगों ने, पायल और मैंने। इसका मतलब हमारी आवाज अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल अच्छी है ना हमारी आवाज। तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूँगी? मैं आज से लोग डांस सीखते हैं, लोग योगा सीखते हैं, मैं सिंगिंग सीखती हूँ। ढोलकी नहीं है, मैं तो ऐसे ऐसे करके गाना बजा रही थी। अच्छा गाना बजा रही थी? आपको ना गाना गा के सिखाती हूँ, गाना गा के सिखाती गई आपको बजा के सिखाती हूँ। आवाज आ गया, लोगों को सुनाई देगा। ये वाला गाना हमने गाया था, चंदा है तू मेरा। चुप कर, इसको भी अच्छा लगा क्या? नहीं, अच्छा लगा। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, वो तो पायल ने तो अपने बेटे के लिए गाया था। ओ मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, देखे। अब मेरे को पूरा गाना अभी नहीं आता, मैं आपको पूरा बजा के सिखाऊंगी। बस मैं ये सबके सामने आ गई हूं, ऐलान कर रही हूँ कि आज के बाद मैं अब सिंगिंग सीखने जा रही हूँ। क्यों? हाँ, क्योंकि लोग इतना गाने हमारे गाने को पसंद किया, वो वाला गाना बड़ा पसंद किया, आलू बड़े करारे धर्म नाल, आलू बड़े करारे, ये भी लोगों ने बहुत पसंद किया। आलू करारे वाला, इसका मतलब कि 9 मिलियन लोगों ने पसंद किया। अभी शादी को तो 15 दिन हुए हैं। हाँ, तो ये कहाँ पर जाएगा गाना? और कितने लोग हमारे गाने को पसंद करेंगे और अपने बच्चों के साथ गाएंगे, इसका मतलब कि हम फिर गाने गाते हैं ना, तो लोग हमारे साथ। अब मैंने वहाँ पर शूट भी किया है, गाने का शूट किया है ना, गाने शूट किया। तो फिर अब मैं सिंगिंग सीख रही हूँ, आज के बाद मैं ऐलान करती हूँ कि आज के बाद मैं गाना गाना सीखने जाने वाली हूँ। ठीक है गाइस, मैं गाना सीख लूँ? आवाज अच्छी है मेरी, बताना मुझे आप कमेंट करके, मैं जरूर गाना सीखूंगी। और पायल और मैं, हम दोनों अपना गाएंगे। और थोड़े दिन पहले गोलू और पायल भी गाना गा रहे थे, उनको देख के मुझे और लगा कि वो बच्चे गा सकते हैं तो हम नहीं गा सकते। आज के बाद हाँ, तेरे को भूत चढ़ गया। मैं सिंगिंग सीखूंगी, तेरे को भूत चढ़ गया। हाँ, गाने का। हाँ, एक ना मैंने रीत के साथ ये भी गाना गाया। कौन सा? ये वाला, कुर्ती मेरी छीट दी, दुपट्टा मेरा लैरिया, लैन क्यों नहीं आयो, हुन पेके हुन वैरिया, जामा दिया पक्किया खा, ये भी गाया था। ये गाया था? हाँ, पंजाबी गाना था, रीत के साथ मैंने रील बनाई थी। अच्छा, ये इसके भी काफी मिले नए हैं? नहीं, इसका नहीं मुझे पता, मैंने देखा, चेक किया था। हाँ, ये भी गाया था।
बस कोको पूछी को रोटी दे चुके हैं, ये खा चुके हैं, अब हम सोच रहे हैं कि बाहर जाके थोड़ा सा घूम आते हैं। बस वही दुकान पे बैठे रहो, एक ही सीट से उठ के घर आ जाओ। तो मैं इनको कह रही हूँ कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, ये कह रहे हैं कुछ और खाना है। अब दोनों की आपस में देखते हैं, वहां जाके देखते हैं। मैं कह रही हूँ फरूदा खा लेंगे, कह रहे जूस पी ले, मैं कह रही हूँ आइसक्रीम खा लेते हैं। अब बाहर जाते हैं, बाहर जाके पैदल निकल रहे हैं, स्कूटी पे नहीं जा रहे, बस एक ही जगह बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं। मैं कह थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा वॉकिंग हो जाएगी। हाँ वॉकिंग हो जाएगी। तो अब जाके देखते हैं कि हम क्या खाते हैं और आपको क्या खिलाते हैं। ना तो हम जूस पीने आए हैं, ना हम फलूदा खाने आए हैं, हम खाने आए हैं आइसक्रीम, सेठी आइसक्रीम, वहां पर आए हैं हम। अब देखते हैं कि क्या लेते हैं, क्या लोगे? देखते हैं, वो कह रहे हैं मैं बॉक्स दे देता हूँ। बॉक्स कौन सा? केसर पिस्ता है। ये कौन सी भैया, केसर पिस्ता? हाँ जी। और ये? ये रबड़ी पिस्ता है। ये रबड़ी पिस्ता वाला दे। ये कितने की? 180 का है, 200। हाँ ये वाला दे दो। अब ये पैक कर दो। ये हमारे बिल्कुल घर के पास शॉप है जहाँ पर आए हैं, और ये इनके ऑनर है। हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, कोको पुची बिल्कुल उदास हो जाते हैं, बाहर गेट के ऊपर भौंक रहे थे। देखो मेरे आगे पीछे, देखो देखो, ये लो आइसक्रीम, ये पकड़ कर ना, तो फ्रीजर में रख दो। आज आइसक्रीम लेके आए, तुम्हें खिलाते हैं दोनों को। चलो चलो रोटी खा ली ना, अब आइसक्रीम खा लो। बिल्कुल पुची उदास हो जाती है। हाँ जी आगे, पुची उदास हो जाती है। चलो पुची अंदर, चलो चलो अंदर ले, चलो एसी चलाओ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बिल्कुल 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, पसीने पसीने हो गए। अब फ्रीजर में रख दिया, अभी आइसक्रीम ठहर के खानी है, ठीक है? थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सी। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।